हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया था जिसमें हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की। डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, विद फर्स्ट डिग्री या जो भी है, ये अपन का कंप्लीट हो गया। इसमें हमने चार पांच मेथड्स देखे थे, कैसे कैसे इसकी क्या विशेषता थी, मतलब क्या स्पेशलाइजेशन था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि इसमें जो भी dy अपॉन dx की टर्म होगी, मतलब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा, और हाईएस्ट पावर भी कितनी होगी, 1 ही होगी। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की थी, इसमें इसका dy अपॉन dx से बड़ी मतलब ऑर्डर की टर्म नहीं मिलेगी, मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर या फिर dny अपॉन dxn, मतलब ओनली dy अपॉन dx की ही टर्म मिलेगी, बाकी n के अलावा किसी भी, मतलब n के अलावा 1 के अलावा n की कोई भी टर्म की ऑर्डर मतलब पद नहीं मिलेगा इक्वेशन में। और दूसरी, इसकी पावर, इसका घात भी 1 ही होगा। तो अपने जो भी नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद एन डिग्री, मतलब जो अपना नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है, चैप्टर सेकंड, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट इसके साथ में है, ओके, ऑर्डर विद एन डिग्री, मतलब जो भी अपनी नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे अपन, जो चैप्टर सेकंड है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें ऑर्डर तो फर्स्ट है, मतलब होंगी तो वही dy अपॉन dx की टर्म्स, बट इनका जो पावर है ना वो n हो सकती है, मतलब वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, जितनी भी हो सकती है, जितना चाहो उतनी हो सकती है। मतलब क्वेश्चंस में अगला आपको कितनी भी दे सकता है, 2 की भी दे सकता है, 3 की भी, तो मैक्सिमम वो 2 की देगा, मैक्सिमम वो 3 की देगा और मिनिमम वो 2 की देगा, अपने इतने ही है। मिनिमम 2 ऑर्डर हो, 2 डिग्री हो सकती है इसकी और मैक्सिमम 3 की, यही सॉल्व करवाएगा अपने से, 4 5 6 तक नहीं लेके जाएगा। तो इसका पहले जनरल फॉर्म देखते हैं कि जो इक्वेशन होती है, पहले जनरल फॉर्म मतलब ये किस टाइप की होती है, इसमें अपन जनरल फॉर्म देखें तो पी एन प्लस स्मॉल पी एन, P1 मान लो, स्मॉल P1, P1 फिर ये कैपिटल P की पावर n-1, मतलब पहले n की, फिर n-1 की, फिर n-p2, तो ये कितना जाएगा, p की पावर n-2। ऐसे करते करते अपने पास है ये p1 p2, ये सो क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y, ये मान लो स्मॉल है pn-1, ये कैपिटल p, लास्ट में 1 की बचेगी, फिर प्लस मतलब dy अपॉन dx बचेगा, और ये स्मॉल pn, 1 0। यहाँ पे जो स्मॉल pn p है ना, वो तो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो मैंने ये p1 p2 दे दिया, और जो कैपिटल p है वो डिनोट कर रहा है dy अपॉन dx को, और इसकी पावर n, ये कर रही है डिनोट dy अपॉन dx की पावर n को। मतलब यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में हाईएस्ट जो डिग्री होगी वो आएगी, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, ऐसे अरेंज करेंगे और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखो, मैंने लास्ट टाइम बताया था जितने डिवाई जितना ऑर्डर होगा उतने कॉन्स्टेंट आएंगे, ओके, मतलब डिवाई अपॉन डीएक्स है तो सिर्फ एक ही कॉन्स्टेंट आएगा, कौन सा, सी, मतलब अपन ने सी लिया है, जिसकी पावर एन आ रही है, तो सॉल्यूशन में सी की पावर भी एन में मिलना चाहिए, मतलब डीवाई अपॉन डीएक्स का अपने को क्वेश्चन में मिल रहा है पावर 2 का क्वेश्चन, तो हमें सॉल्यूशन में सी की पावर भी 2 ही होगी,
तो ये अपना एक मतलब ऑप्शन डिस्कार्ड करने का अच्छा तरीका है कि कहीं पे सी ओनली सी दे रखा हो सॉल्यूशन में कि वाई बराबर एक्स प्लस सी ये वाला दे रखा हो और ऊपर दे रखा हो पी स्क्वायर की इक्वेशन, तो ये वाला ऑप्शंस तो होना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे पी का स्क्वायर है तो सी का भी क्या होगा स्क्वायर होगा। तो ये वाली बात जरूर ध्यान में रखना, ये ऑप्शन डिस्कार्ड करने के बहुत काम में आने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ओके, इसका और भी सेकंड में इसका सेकंड फॉर्म बताऊं, मतलब थोड़ा इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। देखो ये है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका जनरल फॉर्म डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस डी वन डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस एन एन माइनस वन प्लस पी टू डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस टू, ये चलता जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर वन इसके इंटू में क्या बचेगा, कोफिशियंट होगा पी रेस टू पी एन माइनस वन, और लास्ट में सिर्फ एक एक्स या वाई की टर्म ही बचेगी, उसको पी एन बोल दिया इक्वल टू जीरो, वहां पे पी वन पी टू ये सब ही है। तो इसको सॉल्व करने के चार मेथड होंगे अपने पास, सॉरी पांच। तो इसका क्लासिफिकेशन करें अपन कि कितने टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट होगा सोलेबल फॉर पी, पी के लिए सॉल्व हो जाए। सेकंड होगा सोलेबल फॉर वाई, फिर थर्ड अपन पढ़ेंगे सॉल्वेबल फॉर एक्स, फिर फोर्थ पढ़ेंगे उसके बाद में केलरो डिफरेंशियल इक्वेशन। हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम आती है इसमें, तो अब मैनेज कर लेना। लास्ट पढ़ेंगे हम लैग्रैन्ज इक्वेशन। तो ये पांच पढ़ने वाले हैं, जिसमें सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चंस आता है वो तो ये एक तो यहाँ से आ जाएगा, ए वाला टॉपिक है सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल, तो और दूसरा क्लियरों के लिए, बाकी बाकी जो भी मतलब और में आ सकता है, बट 99% या तो सॉल्वेबल वो फॉर पी बन जाएगा इक्वेशन या फिर क्लियरो डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप के देख के आपको जनरल सॉल्यूशन पूछ लेगा। तो हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो फर्स्ट मेथड है वो स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्वेबल फॉर पी। और टॉपिक से बात करें तो इसमें मतलब जो फर्स्ट सेकंड ग्रेड है ये जो ऑर्डर वन और सॉरी ऑर्डर वन और एन डिग्री वाला जो चैप्टर है उसका फर्स्ट ग्रेड में तो मैक्सिमम टू क्वेश्चंस आते हैं, मतलब दो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। और सेकंड ग्रेड की बात करें सेकंड ग्रेड में इसका ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन मिल ही जाता है, और वो एक क्वेश्चन मतलब आप टॉपिक चूज करना चाहो तो वो इक्वेशन या तो सॉल्वेबल फॉर वाई में मिल जाएगा या फिर क्लेरो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो हम इस पे बात करते हैं फिर, फर्स्ट जो भी अपना मेथड है सॉल्वेबल फॉर पी। ओके, अब इसमें क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको किस टाइप की दी जाएगी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो यही क्या पी एन प्लस पी वन, मतलब ये देखो जो हाईएस्ट ऑर्डर जो पावर है इसकी उसका कोफिशियंट वन है। ओके, जनरल जनरल जो भी इक्वेशन है उसमें, बाकी यहाँ पे अपने पास कोई वो नहीं है कि वन ही बनाना पड़ेगा इसको।
एपी टू की पावर एन माइनस टू, ये मैंने बहुत बार लिख दिया है। ये पी बचेगा और यहाँ पे एन माइनस वन बचेगा और ये बच गया लास्ट में पी एन इक्वल जीरो। तो ये फर्स्ट मेथड अपना सॉल्वेबल फॉर पी है। इसमें क्या होगा, इसमें फैक्टर होंगे पी के, जैसे यहाँ पे पी रेस टू पावर एन में इक्वेशन होगी तो इसके एन फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि अपने पास जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके कितने फैक्टर होते हैं, टू पावर की है तो इसके मैक्सिमम, इसके मैक्सिमम क्या है, इसके टू ही फैक्टर होंगे, दो फैक्टर होंगे। तो ऐसे ही पी में अपन देखेंगे कि पी वाली इक्वेशन कितने पावर की है, तो उसके उतने ही फैक्टर यदि अपने से हो रहे हैं, मेन बात है हो रहे हैं, फैक्टर हो रहे हैं, तो ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो इसको मैं जनरल देखूं, एन की है तो एन फैक्टर मिलने चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा, पी माइनस एफ वन एक्स कोमा वाई, एक फैक्टर ये हो गया। फिर सेकंड फैक्टर देखें, पी माइनस एफ टू एक्स कोमा वाई, तो ऐसे अपने पास कितने एन फैक्टर मिल जाए, पी माइनस एफ एन एक्स कोमा वाई इक्वल जीरो, तो एन फैक्टर मिल जाए तो वो कितनी हो जाएगी, सॉल्वेबल फॉर एन, सॉल्वेबल फॉर पी भी हो जाएगी। और उसके बाद हम फैक्टर करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके हर फैक्टर को कौन जीरो के इक्वल मान लेंगे, ठीक है, ऐसे होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पी इक्वल एफ वन जीरो के इक्वल मानेंगे तो इक्वल आ जाएगा, इधर पी इक्वल एफ टू एक्स वाई कितना हो जाएगा, पी इक्वल एफ एन एक्स वाई, जीरो के इक्वल मानने के बाद में पी के इक्वल जो वैल्यू है, पी की क्या वैल्यू, क्या वैल्यू है, डीवाई अपॉन डीएक्स, वो पुट करेंगे और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी अपने पास। कितनी हो जाएगी ये, ऑर्डर वन एंड डिग्री वन, वन डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हमारे पास जितने जितने घात की इक्वेशन होगी उतनी ही ऑर्डर वन और डिग्री वन की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगी। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एफ टू एक्स वाई मिल जाएगी, एन पावर की थी तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एफ एन एक्स वाई। तो जितनी, मतलब जितनी घात की इक्वेशन होगी उतनी ही डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएंगी, और डिफरेंशियल इक्वेशन को तो हमने लास्ट, और वो भी कितनी होंगे, फर्स्ट ऑर्डर की होंगे। तो ये हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने सीख लिया था कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये वही लास्ट क्लास वाला, मतलब जो भी लास्ट चैप्टर है उसका मेथड अप्लाई होगा, मतलब यहाँ से उसी का क्वेश्चन बनेगा, फिर यहाँ से हम इसको सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो इसमें क्या आएगा, सी, फिर इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, मतलब पर इक्वेशन का जिसमें कांस्टेंट एक है डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो एक कांस्टेंट रखेंगे सी, सब में सेम सेम है तो सब में सी ही रखेंगे। ये बात ध्यान में रखना, ऐसे नहीं है कि एक में तो तुम सी वन यूज कर लो, दूसरे में सी टू सी थ्री सी एन, ये नहीं करना। ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, एक घात का है और एक ही ऑर्डर का है, तो एक सी सेम वही डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सी, तो सभी में सी सी यूज करके और एन पावर का बन जाएगा। ओके, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट का इंटू में जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेकंड जो बनेगी उसका, और इंटू में जनरल सॉल्यूशन ऑफ एन वी का, मतलब ये सी वन क्यों रखा है मैंने यहाँ पे, ये तो जो फर्स्ट अपनी जो फर्स्ट वाली बनने फर्स्ट ऑर्डर की बनेगी उसका, फिर ये क्या हो गया,
जो सेकंड बनेगी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, ऐसे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरी जो भी अपने को गिवन क्वेश्चन है उसका जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये लिख रखा ना, इसके इक्वल लगाना। इसके अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा। ये ध्यान में रखना कि सी ही यूज करना है सारों में, ऐसे C1 C2 यूज नहीं करना है। जैसे इसका क्वेश्चन लेते हैं एक, क्वेश्चन देखें। अच्छा, फर्स्ट ये वाला ले लेते हैं। क्या दे रखा है, पी स्क्वायर माइनस 9P प्लस 18, ये वाला दे रखा है। तो इसमें देखो पी स्क्वायर है, पी की फॉर्म में ही है, मतलब डीवाई अपॉन डीएक्स में ही है, इसमें स्मॉल P1 नहीं है, मतलब एक्स वाई के फंक्शंस नहीं है, तो इसका तो फैक्टर करना इजीली हो जाएगा अपने पास। तो इसको क्या करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 3P माइनस 6P प्लस 18 इक्वल 0। तो यहाँ से लेंगे पी कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पी माइनस 3 बन जाएगा, तो इसका फैक्टर। और दूसरा कितना बन जाएगा, दूसरा पी माइनस 6 बन जाएगा। अभी यहाँ से क्या आया, वही मैंने बताया कि ये कितने बन जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की -3, और दूसरी क्या बनेगी इक्वल टू 0, और दूसरी dy अपॉन dx -6 इक्वल 0। तो ये फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री की बन गई, तो यहाँ से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगा दो, तो dy अपॉन dx -3 dx इक्वल 0, दूसरी क्या बन रही है dy अपॉन dx इक्वल 6 dx। मैंने इधर ले लिया, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बन जाएगा y -3x +C1 ले लो चाहे, या फिर इक्वल C1 सॉरी C, और ये बन जाएगा y -6x इक्वल C। तो मैंने जनरल सॉल्यूशन क्या बताया, इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y -3x -C इंटू y -6x -C। ओके, इस टाइप के अपने को क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा क्वेश्चन लेवे तो पी स्क्वायर -7P +12 इक्वल टू 0। तो इसमें भी एक्स वाई के फंक्शंस नहीं है, तो इसका भी जो फैक्टर करना है इजी हो जाएगा, पी स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक्स वाई के फैक्टर डायरेक्ट, इसका फैक्टर क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ रहा है, और इसको ऐड करने पे माइनस, तो एक प्लस का बनेगा एक माइनस का बनेगा, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है प्लस का, तो दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है -7। तो ये क्या बन जाएगा, पी -3, इसका फैक्टर करेंगे तो पी -4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका क्या बनेगा फिर, डीवाई अपॉन डीएक्स वाले में करेंगे तो dy अपॉन dx -3, p की जगह वैल्यू रखती, dy अपॉन dx -4 इक्वल 0 हो गया। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, y -3x -C1 सॉरी -3 y -4x -C, इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गए, मतलब ये तो वही बन गई ना, तो द्विघात इक्वेशन, तो इतने इजी मुझे नहीं लगता पूछेगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ओके, आई थिंक ये एग्जाम में तो ठीक है वो, शायद देखते हैं एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे तब पता लग जाए, बट इसमें ये देखना प्लस y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स एक घात का है, उसके बाद में -y इक्वल टू 0, तो पी में कन्वर्ट कर लो अपने, इजी हो जाएगा, प्लस y माइनस एक्स पी रखती है यहाँ पे -y इक्वल 0। ये अपने पास इक्वेशन है, पी की पावर 2 है, पी घात की इक्वेशन 2 घात की इक्वेशन है, तो इसके फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ से क्या लग रहा है, फैक्टर करो पहले तो इसको, पी स्क्वायर प्लस
वाई पी माइनस एक्स पी माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो फैक्टर करेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, पी कॉमन आ रहा है सर, एक्स पी प्लस वाई, यहाँ पे माइनस वन कॉमन आते ही क्या आ जाएगा, एक्स पी प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो इसके दो फैक्टर बन गए, एक तो एक्स पी प्लस वाई, दूसरा क्या बना है, पी माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से इसके दो फैक्टर बनेंगे तो क्या बन जाएगा, एक तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, दूसरा क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो अपने पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हो जाएगी और ये भी डायरेक्ट हो जाएगी। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से रखेंगे अपन इसको, तो ये कितना बनेगा, y इधर आ जाएगा और dx उधर जाएगा, तो dy अपॉन y बन जाएगी प्लस dx अपॉन x इक्वल जीरो। और ये कितनी बन जाएगी, dy माइनस dx इक्वल जीरो। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, log y प्लस log x, तो log x प्लस y, x इंटू वाई, तो ये डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ, log x इंटू वाई इक्वल सी। और इधर क्या बनेगा, y माइनस एक्स इक्वल सी। जनरल सॉल्यूशन देखें तो क्या करना है अपने को, ये इधर लॉग सी ही ले लेंगे अपन, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई इक्वल सी बन जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन देखें तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई माइनस सी इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई माइनस सी, इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो इसके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमें करने ही हैं। देखो ये क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई पी प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल जीरो, इक्वेशन दे रखा है। अभी इस क्वेश्चन में देखो फैक्टर तो नहीं होंगे अपन में से, तो यदि फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं तो देखो ये द्विघात इक्वेशन है, तो द्विघात के जो मूल निकालते हैं अपन, रूट्स निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का रूट अपॉन टू ए। तो इसका भी सेम वैसे ही, जिसके मतलब इनके भी फैक्टर करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सीधा सीधा वो फॉर्मूला लगाओ, द्विघात का है तो द्विघात से वो फॉर्मूला आ जाएगा रूट निकालने के। और यहाँ पे रूट क्या होंगे, पी इक्वल निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, पी इक्वल माइनस बी, तो माइनस क्या है यहाँ पे, बी की जगह क्या है, पी का कोफिशियंट, तो माइनस टू एक्स वाई है और वो पहले से माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए सी, तो ए ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है और सी कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर फोर हो जाएगा यहाँ पे अपॉन टू ए, टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से अपने को क्या हो जाएगा, डी वाई, ये क्या बन जाएगा, टू एक्स स्क्वायर है, टू एक्स स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, वाई अपॉन एक्स, फिर प्लस माइनस, ये कितना बनेगा, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, ठीक है एक सेकेंड, ओके, वाई अपॉन में एक्स है प्लस माइनस, इधर इससे बाहर क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, सॉरी एक्स बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स बाहर निकालेंगे, इसमें एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, अंडर रूट फोर भी बाहर निकल जाएगा, मतलब टू एक्स बाहर निकल जाएगा, तो ये अंदर बचेगा वाई स्क्वायर सेकेंड, ये अंदर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए सी तो ये है ना, टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो
उसमें 4 AC रखा जाएगा, प्लस ये माइनस का ही आएगा यहाँ पे। ये मैंने ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया है, ब्रैकेट आई है। ओके, 2y² माइनस x² 4ac, मतलब 2 स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई में 4, ये बनेगा यहाँ पे। तो इसको करेंगे, सोचा इतना छोटा क्वेश्चन कैसे हो गया, ये इतना छोटा तो था ही नहीं। अपॉन 2a अपॉन 2x² तो यहां से इसको सेपरेट कर दो, ये तो क्या बन जाएगा, y अपॉन x बन जाएगा। फिर इसको करोगे देन ये क्या बनेगा, 4x² y² ये माइनस से, ये कितना बन जाएगा 8, तो माइनस का 8x² y² और ये इधर कितना बनेगा प्लस का 4x की पावर 4। ओके, तो इससे इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4x की पावर 4 माइनस 4x² y² बन जाएगा। यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं अपन, 4x की पावर 4 कॉमन लेंगे, सॉरी x² कॉमन लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, x² माइनस y² और ये बाहर जाएगा अंडर रूट से, तो ये कितना बनेगा, 2x√x² माइनस y² और इसके अपॉन में कितना है, 2x² है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा यहाँ से 2x कैंसिल हो जाएगा, फिर 1/x√x² माइनस y² तो ये 1/x अंदर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, x² होगा, तो ये 1 माइनस y² अपॉन x² की टर्म बचेगी लास्ट में। तो मैं p इक्वल डायरेक्ट लिख रही हूँ, y/x प्लस माइनस √1 माइनस y² अपॉन x² इक्वल p को मैं dy/dx लिख सकती हूँ। तो अपनी यहाँ से इक्वेशन तो क्या बन जाएगी, dy/dx इक्वल y/x प्लस √1 माइनस y² अपॉन x² दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, ये बन जाएगी dy/dx इक्वल y/x माइनस 1 माइनस y² अपॉन x² तो ये दिख रही है डायरेक्ट होमोजेनियस इक्वेशन है, तो इसको होमोजेनियस y/x को भी मान के कर लेंगे। ओके, होमोजेनियस में क्या करते हैं, यहाँ पे v प्लस है x dv/dx इक्वल v प्लस √1 माइनस v² और यहाँ पे क्या हो जाएगा, v प्लस x dv/dx इक्वल क्या हो जाएगा, ये v माइनस √1 माइनस v² इधर इस v से दोनों साइड में v से v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाला बन जाएगा, ये 1/1 माइनस v² हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके लिख रही हूँ, ये साइन इनवर्स भी बन जाएगा दोनों साइड, तो एक तो क्या बनेगा साइन इनवर्स, इसको कंबाइंडली देखें तो y/x इक्वल बन जाएगा प्लस माइनस 1/x हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी, तो ये इसका कंबाइंडली इक्वेशन बन जाए सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कर लेना प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, जितने भी बुक्स में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और एग्जांपल्स हैं वो कर लेना जबकि अच्छे, फिर हम कल सॉल्वेबल फॉर्म आई पढ़ेंगे। चलो बाय।